एक प्लेट है ना बकरा गोश्त, मटन जबरदस्त है। इसको छोड़कर सब डीजे के पास नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। भाई साहब ये क्या करेगा बेचारा, मटन गोश्त। बैठा ये खा लो, बैठा लो ये खाए खा लो। सही है, मन लो खा लो दबा के। मटन बढ़िया है, एक चीज है कि खा तो उठा के दिक्कत नहीं है, काम कर रही सिस्टम यहाँ का है। शादी में बज रहा है भैया भोजपुरी गाना और यहाँ पर देखिए डीजे लगाकर पूरा डांस हो रहा है। हालांकि हमको नाचना तो आता नहीं है और हम नाच भी नहीं सकते। और यहाँ पर देखिए दूल्हे की गाड़ी और यहाँ पर देखिए भाई साहब जिसको शौक है नाचने का वो नाच रहा है। भाई साहब चलते हैं दोस्तों बारात की तरफ, क्योंकि हम लोग हैं बाराती और देखिए रात का टाइम है और ये हमारे तरफ का हाईवे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात का टाइम हल्का हल्का कोहरा भी रहा है क्योंकि ठंडी लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अब नवंबर का महीना चल रहा है तो ठंडी आना स्टार्ट हो जाएगा, शादी भी स्टार्ट। अब आ चुके हैं हम दोस्तों बारात में। यहाँ पर देखिए लोग खाना पीना खा रहे हैं, यहाँ पर चाउमीन मोमोज सब खा रहे हैं, यहाँ पर बना हुआ है। तो हम पहले लेते हैं कॉफ़ी क्योंकि ठंडी लग रही है ना हल्की हल्की, तो कॉफ़ी का आनंद लेते हैं और उसके बाद देखते हैं टेस्ट कैसा है। भाई साहब कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि दूल्हे के लिए सेट बनाया गया है और यहाँ पर दूल्हे भाई साहब बैठेंगे और लोग उनको देखेंगे और यहीं पर होगा निकाह। और देखिए अभी लोग आए हुए नहीं है, जब पूरा भीड़ हो जाएगा तब पूरा देखा जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है ना बात। ये देखिए टेंट लगा हुआ है, खाना उधर खिलाया जाएगा और उसके बाद थोड़ा एंजॉय लेते हैं। और ये देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं थोड़ा आराम कॉफी पीकर, क्योंकि ज्यादा खाना खाएंगे तो अनपच हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। टेंट लगा हुआ जबरदस्त है और ये देखिए सभी लोगों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो है चाउमीन बर्गर कॉफी सब मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्रंट और ये देखिए व्यू। तो रात के टाइम टेंट बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है यार, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है ना बात। शादी खाना आबादी तो शादी वाला ब्लॉग आपको पूरा मैं दिखाता हूँ, क्या क्या बना है क्या क्या नहीं बना है ना बात। तो सब आपको विजिट कराऊंगा मैं, वहाँ वो खिलाया जाएगा उधर। अभी देखते हैं कैसा है सिस्टम। दूल्हा भाई साहब वहाँ बैठेंगे, ये जो बना है यहाँ पर देख रहे हैं ना सजाया जो गया है दूल्हे के स्वागत के लिए, वहाँ पर सिस्टम बनाया गया है बैठने के लिए। पटाखा उड़ाने की तैयारी, ये देखिए भाई साहब पटाखा कितना खतरनाक उड़ेगा ये भैया, खतरनाक ये या। लेज़र लाइट यहाँ पर देखिए, डीजे में अक्सर लेज़र लाइट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसमें डांस ज़्यादा होता है ना, भोजपुरी गाना हिंदी गाना पंजाबी गाना ए टू जेड गाना बजता है भाई साहब। और शादी विवाह नाचना आए चाहे ना आए लेकिन डीजे बजना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए भैया इंजॉय लेते हुए, ये देखिए भैया साहब ये भोजपुरी गाने पर पूरा इंजॉय हो रहा है क्योंकि हम यूपी वाले हैं ना, तो ज़्यादातर डीजे को पसंद करते हैं क्योंकि शादी विवाह में जानते हैं कि डीजे पर ही पूरा डांस चलता है, बिना डीजे कुछ होगा नहीं, लोग खुश नहीं हो पाएंगे, लोग बोलें क्या बारात आया क्या है ना बात। तो डीजे तो बजना ही चाहिए क्योंकि शादी वाली बात है तो डीजे बजेगा ही बजेगा। यहाँ पर देखिए कितना खतरनाक डांस हो रहा है भैया, जैसा मन के वैसा नाचो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए डीजे का पावर और लोगों का पावर है, इसमें कुछ पिए हुए भी है, बियर वियर का इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं क्योंकि नागिन डांस करना पड़ता है ना। यहाँ पर देखिए नागिन डांस से लेकर भब्बाड़ डांस, डांस आए चाहे ना आए बस हाथ ऊपर होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर देखिए डांस आए चाहे ना आए कोई बात नहीं, बस नाचना झूमना चाहिए क्योंकि वो नशा होता है ना थोड़ा बहुत, तो वो झूमता है वो इंसान। जानते होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए और ये देखिए भैया थोड़ा आगे लेके चलते हैं झालर मोती के पास, कैसा लगता है झालर मोती। यहाँ पर देखिए ये देखिए हमारे देखा लवंडा है ये, यहाँ पर ये देखिए भैया दूल्हे की गाड़ी वहाँ से आ रही है। और ये देखिए स्वागत, स्वागत के लिए ऐसा ही होता है ना यार, यहाँ पर देखिए स्वागत
स्वागत के लिए भैया डेकोरेशन तगड़ा किया गया है, गांव वाले किए हैं। और यहाँ पर ये देखिए भैया साहब, वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर देखिए डांस, आगे डीजे चल रहा है, ये बेचारे कुछ काम नहीं क्योंकि पुराने ज़माने का ये बाजा है और थोड़ा बहुत है डांस। ये देखिए बेचारा अकेले नाच रहा है, यहाँ पर कोई नाच ही नहीं रहा है बेचारा, ये भी सोचेगा कहाँ जाए हम। धन्यवाद। ये देखिए दो साउंड है, यहाँ पर एक डीजे है और एक बैंड पार्टी है। तो ये देखिए, और ये वाला जो है झालर मोती वाला स्वागत के लिए, क्योंकि दूल्हे गाड़ी जा रही है अपने द्वारिका की तरफ, क्योंकि यहाँ पर उसका स्वागत किया जाएगा दूल्हे का। और ये देखिए यहाँ पर पूरा एंजॉय लेते हुए सभी लोग, दूल्हे की गाड़ी आ चुकी है भाई साहब द्वार पर। और देखिए स्वागत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाई साहब डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पर देखिए भीड़ भी ज़्यादा है देखिए, क्योंकि दूल्हे से ज़्यादा लोग दूल्हे को कम देखते हैं, लड़के को ज़्यादा देखते हैं लोग यहाँ पर। ये देखिए, और ये देखिए भीड़ से निकलते हुए, क्योंकि हमको भीड़ में रहना पसंद नहीं है, अब निकलते हैं बाहर। अब आपको दिखाने का जितना प्रयास था, अब ये गली में देखिए, यहाँ से लेके आगे डीजे बज रहा है, इधर पूरा दूल्हे की गाड़ी है। तो भाई साहब जिसको जिसको जरूरत है वो खड़ा होगा, जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं खड़ा होगा, है ना बात। अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हमारे बस की नहीं है, हमको यहाँ से निकलना है ना बात। अब इसको भेज दे आगे, अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब देखिए भीड़ है तो इतनी भीड़ में निकलना मुश्किल है। अब यहाँ पे देखिए दूल्हे गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई, यहाँ पर देखिए भीड़ में लगा हुआ है, हमारा यहाँ कुछ काम नहीं है। और ये देखिए दूल्हे की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, और यहाँ पे लोग जो भी रस्में अपना पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ कुछ भी काम नहीं है। हम निकलते हैं हम खाने की तरफ, क्योंकि हमको खाना खाकर घर में निकलना है। तो देखिए भीड़ से निकलते हुए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं खाने की तरफ, क्योंकि ये रास्ता वो है जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, जितने बराती हैं सब खाना खाएंगे। ये देखिए टेंट लगा हुआ है, पहचान इसकी है, और खाने की व्यवस्था यहीं पे की गई है। और देखिए खाना भी यहाँ पर दोस्तों बन रहा है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए पूरा खाना बन रहा है, मटन बकरे का मटन बन रहा है, और भी नान रोटी है जिसको बोलते हैं हमारे इधर। और इसके बाद आपके इधर भी ऐसा होता होगा खाने में, मुस्लिम शादी में जाएंगे तो आपको खाने को मिल जाएगा गोश्त, मटन गोश्त और नान रोटी आपको खाने जरूर मिलेगा। और ये देखिए भैया खाने की व्यवस्था इधर, और देखते हैं क्या क्या है। थोड़ा सा पहले लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए, और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं क्या क्या है, क्या क्या बना है ना बात। ये देखिए भैया अपना छोला लेते हैं, थोड़ा सा छोला लेते हैं, खाते हैं इंजॉय करते हुए, देखते हैं छोले का टेस्ट कैसा है। ये देखिए भैया छोला बन रहा है। आजकल तो शादी में यार ये सब चीज़ें आम हो गई है खाने पीने के लिए, क्योंकि लोग आजकल फैंसी ज़्यादा पसंद करते हैं खाने पीने के लिए, और होना भी चाहिए क्योंकि गांव देहात में ही लोग पिछड़े हुए थे, तो अब धीरे धीरे इनका सुधार हो गया है। और यहाँ पर देखिए भाई मटन गोश्त और नान रोटी यही है, एक से एक मीठी रोटी और सादी रोटी होती है ना, बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब रोटी होती है भाई साहब, खाने में बहुत मज़ा आ जाता है, सच बता रहा हूँ। आप खाएँगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार होता है, या खाए होंगे आप कभी ना कभी, ज़रूर खाए होंगे मटन और नान रोटी, मीठी रोटी खाएंगे साथ और अच्छा लगेगा। और जो नमक वाली हल्की हल्की रोटी होती है, थोड़ा बहुत सादी रोटी, वो भी मोस्ट अच्छा लगता है खाने में। नली है बकरा का, बकरा का नली है, मीठा मछली है, मछली का पीस, बकरा की नली शानदार जबरदस्त तरीके से भाई शादी में खाना जबरदस्त है। एक प्लेट है ये ना बकरा गोश्त, मटन जबरदस्त है, आइयो होते हैं।
मटन चोर हैदराबाद है और मटन गोश्त और नीचे करो कमरा बैठा ये खा लो बैठा लो ये खाए खा लो। अरे बैठा मैं सुनू तू चल जा सही है मन लो खा लो दबा के मटन बढ़िया है एक चीज है कि जो खा तो उठा के फेंकत नहीं ये काम कर रही है सिस्टम यहाँ का है कि कौन सुनो कैसे लिए दो है अरे उठाने चलमान ये दे ये दे बम्पर सिस्टम होता है बना के संग जा जब Yeah.